सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बता दो फटाफट से कि क्या आपके डिवाइस में वॉर जोन मोबाइल चल रहा है। कुछ भी, मुझे पता है ज्यादातर आंसर होगा नहीं, नहीं चला पा रहे हैं, जीपीयू अनसपोर्टेड आ रहा है, ग्राफिक्स ब्लरी है, गेम ही टट्टी है, ग्लोबल लॉन्च के बाद ही ये गेम फ्लॉप होने वाला है, जैसे कि हमने टाइटल में भी रखे हैं और इसी को लेके अरेना ब्रेकआउट ने भी ट्रोल कर चुके हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में तो आपको बताएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे गेमिंग अपडेट्स जो है इस वीडियो में आपका इंतजार कर रहा है, जिसमें से आपको जानने को मिलेगा मार्वल राइवल्स गेम। जी हाँ, ये गेम शायद नेक्स्ट ईयर रिलीज हो सकता है, जो एक ब्रांड न्यू गेम होगा नेट इसके तरफ से। बैटल क्रश को अभी फिलहाल आप डाउनलोड कर पाओगे। मैट्रिक्स मोबाइल गेम भी आने वाला है, एपिक मोबाइल स्टोर इस साल रिलीज हो सकता है। सोलो लेवलिंग अराइज का अर्ली एक्सेस जो है कनाडा और थाईलैंड में रिलीज कर दिया गया है, क्या इस गेम को हम इंडिया से भी डाउनलोड करके खेल पाएंगे। और आखिर में आपको जानने को मिलेगा कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन मोबाइल गेम के बारे में भी, जिसे जान के यार आप भी ट्रोल करने लग जाओगे। तो कुछ भी जानने से पहले वीडियो कहीं भी थोड़ा सा पसंद आ जाता है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियोस डेली देखने के लिए। तो करना, तो सबसे पहले उन अपडेट से शुरू करते हैं जिसके बारे में अभी तक आपको कोई भी बताया नहीं होगा, खासकर हिंदी में तो बिल्कुल नहीं। जो अपडेट मार्बल के एक अपकमिंग मोबाइल गेम को लेके है, कारू कासी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पता चल रहा है कि ये जो गेम है मार्बल का अनअनाउंस्ड है अभी के लिए, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। कौन डेवलप कर रहे हैं? नेट इस गेम, और उनका काम तो आपको अच्छे से पता होगा, कुछ हो या फिर ना हो गेम में, लेकिन गेम जरूर बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज तो करने ही वाले हैं मोबाइल डिवाइसों के लिए। बेस्ट एग्जांपल प्लस ट्राई, जिसका भी टाइटल बताया जा रहा है मार्वल राइवल्स। तो आगे जाके ये चेंज भी हो सकता है, जो एक ट्रिपल ए मल्टीप्लेयर FPS गेम होगा जो मार्वल यूनिवर्स में सेट किया जाएगा, जिसे PC मोबाइल और कॉन्सोलों में रिलीज किया जाने वाला है। अगर सब कुछ सही जाता है तो नेट इस के तरफ से इसी साल इस गेम को अनाउंस कर सकते हैं। देखा जाए तो यार मार्वल के गेम्स उतने अच्छे तो नहीं है मोबाइल डिवाइसों में, एक जरूर आया था नेट मार्वल की तरफ से, लेकिन उसे तो फिलहाल शट डाउन कर दिए हैं। कौन से गेम की बात कर रहे हैं कॉमेंट करके मुझे जरूर याद दिला देना, और साथ में मार्बल राइवल्स के लिए क्या आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं उसके बारे में भी जल्द से बता देना। तो बैटल क्रश का सेकंड बीटा टेस्ट कल से शुरू हो चुका है, तो अगर आपको इस गेम को अभी ट्राई करना है तो फटाफट से जाओ डाउनलोड कर लो, जिसका लगभग साइज है 833 MB। NCSoft इसे पब्लिश करने वाले हैं। अब कब तक ये बीटा टेस्ट चलेगा इसके ऊपर अपडेट तो नहीं है, लेकिन 97 कंट्री में इस नए बीटा टेस्ट को रिलीज किया गया है, जिसमें लकीली इंडिया भी शामिल है। तो इस गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको कोई भी झंझट नहीं करना पड़ेगा, सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और फटाफट से इस गेम को डाउनलोड करके एंजॉय करो। ऑब्वियसली गेम का गेमप्ले वगैरह ऑन स्क्रीन आपको दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी गेम डाउनलोड पे है। अगर आप सब इंटरेस्टेड हो, डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। और बैटल क्रश एक एक्शन कैटेगरी का गेम है टॉप डाउन व्यू के साथ, ग्राफिक्स शायद उतना आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन मजे जरूर करोगे इस गेम को खेलते हुए, थोड़ा डिफरेंट गेम है और मुझे तो अलग अलग गेम ट्राई करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या आप सबको पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। तो मार्बल राइवल्स के साथ साथ नेटिस और एक बड़े गेम का प्लान बना रहे हैं, जो होगा मैट्रिक्स के ऊपर। आपको तो पता है इसका मूवी कितना ज्यादा पॉपुलर है, और नेक्स्ट मूवी शायद मैट्रिक रिजरेक्शन, जिसका रिलीज डेट तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस मूवी से पहले आपको नेटिस के तरफ से मैट्रिक्स मोबाइल गेम खेलने को मिल सकता है। अभी ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पता चला है, जैसे कि आप ट्वीट भी देख पा रहे हो कुरु कासिस का, जिसका प्रोजेक्ट टाइटल रखा गया है अवेक। अभी इनका भी कहना है कि अभी उनको अच्छे से पता नहीं है कि ये गेम अंडर डेवलपमेंट में है या फिर प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है या फिर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे जरूर हम सबको हिंट मिल चुका है कि फ्यूचर में शायद मैट्रिक्स के ऊपर भी गेम हमें मोबाइल डिवाइस में खेलने को मिलेगा। अगर आप पक चुके हो प्ले स्टोर को यूज करते करते, ऑब्वियसली इसका अल्टरनेटिव तो बहुत सारे हैं। इंडियन प्ले स्टोर भी रिलीज हो चुका है इंडस नाम से, जिसके बारे में आपको पता होगा अगर आप हमारे सभी वीडियोस को देखते होंगे, लेकिन आपको एक बड़े ऐप स्टोर का जरूरत है जो प्ले स्टोर को टक्कर दे सकता है, तो बहुत ही जल्दी ये सपना आपका पूरा होने वाला है। और इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स वीडियो में हम कवर किए हैं कि एपिक्स गेम का स्टोर जो है बहुत ही जल्दी, यानी अभी फिलहाल कन्फर्म हो चुका है, इस साल रिलीज होने वाला है हमारे एंड्रॉयड
प्लस iOS डिवाइस यूजरों के लिए। अगर आप iOS डिवाइस यूजर हो तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है इस साल iOS के लिए सिर्फ और सिर्फ EU रीजन पे यानी यूरोपियन रीजन पे रिलीज होगा, लेकिन एंड्रॉइड डिवाइस यूजरों के लिए ग्लोबली जाने वाला है। अब इसका प्रॉपर डेट तो सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है रिपोर्ट ऑन ड्यूटी के हिसाब से इसी साल एपिक गेम का स्टोर हमें देखने को या फिर बोल सकते हो यूज करने को मिल जाएगा। तो क्या आप प्ले स्टोर के अलावा एपिक गेम स्टोर को भी यूज करना पसंद करोगे? कमेंट करके ना जरूर बताना। तो फाइनली सोलो एवलिंग अराइज जो है अर्ली एक्सेस पे रिलीज हो चुका है कनाडा और थाईलैंड पे। इसके बारे में दो दिनों से हम कवर कर रहे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या इस गेम को हम इंडिया से भी डाउनलोड करके खेल पाएंगे, जिसका सिंपल सा आंसर है यस। सिर्फ आपको गेम को डाउनलोड करना है, जो आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहता है, टाइम मिलता है, तो वो वीडियो आपको आज ही देखने को मिल जाएगा, वो भी प्रॉपर गेम प्ले के साथ। ऐसे में तो आपको गेम प्ले भी दिखा देंगे स्क्रीन में, इससे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि क्या ये गेम आपके लायक है या फिर नहीं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे तो यार गेम बहुत ही कमाल का है। हालांकि ओपन वर्ल्ड तो नहीं है, स्टेज बाय स्टेज चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, लेकिन गेम मोड आपको भरपूर मिल जाते हैं, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। और ऊपर से अगर आप सोलो लेवलिंग के बहुत बड़े फैन हो तो ये गेम आपके लिए यार सोना चांदी जैसा होने वाला है, क्योंकि खेलते हुए आप प्रॉपर स्टोरी को भी एक्सप्लोर कर पाओगे। कट सीन से वॉइस ओवर है एक्टर के, और हर कैरेक्टर को आप यूज करके उनको लेवल अप भी कर सकोगे। तो भरपूर कंटेंट आपको इस गेम में मिल जाएगा। तो कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले एक VPN डाउनलोड करो जिसका नाम होगा EUT। तो उसमें आपको कनेक्ट करना है थाईलैंड या फिर कनाडा। कनाडा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जैसे आपका कनेक्ट हो जाता है, प्ले स्टोर का डेटा जो है आपको क्लियर करना है, और वहां जाके सर्च करना है सोलो लेवलिंग अराइज। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हो, गेम आपका डिटेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको उसमें डाउनलोड पे बिठा देना है। 122 MB का इसका प्ले स्टोर पे साइज है, लेकिन इन गेम आपको अलग से रिसोर्सेज तो डाउनलोड ही करना पड़ेगा। गेम के ग्राफिक्स भी काफी अच्छे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अब मेन क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से डिवाइस में ये गेम चलेगा। ज्यादातर डिवाइस में चल जाएगा अगर आपके पास 6 GB मिनिमम रैम है तो। अब बाकी का पता नहीं, टेस्ट करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाए गेम को खेलते हुए, तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, इस गेम को खेलने के लिए आपको VPN का यूज करना नहीं पड़ेगा, जो एक प्लस पॉइंट है। देखा जाए, हम सब सालों से इंतजार कर रहे थे कि कॉड वर्जन मोबाइल जो है कब रिलीज होगा, कब रिलीज होगा। लेकिन रिलीज होने के बाद हम सब एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्यों रिलीज हुआ है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्योंकि अभी तक देखा जाए, जब तक इस वीडियो को बना रहे हैं, फ्यूचर का तो पता नहीं, 80% डिवाइस में ये गेम सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। और जिनमें सपोर्ट कर रहा है उनके ग्राफिक्स तो यार ब्लरी है, टट्टी है, जिसे खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। देखा जाए, इसका वर्जन मोबाइल नाम ना देके वर्जन iOS देने से बेटर होता। आपको अगर लगा कि हम ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं इस गेम को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अरेना ब्रेकआउट के बारे में सुनोगे तो हमारा ये जो रोस्टिंग है आपको कम लगेगा, क्योंकि उन्होंने भी वर्जन मोबाइल को ट्रोल कर चुके हैं पॉलिशिंग और ग्राफिक्स को लेके। अरेना ब्रेकआउट तो यार ऑब्वियसली ज्यादातर डिवाइस में चलता है, अगर आपके डिवाइस में नहीं भी चलता है तो इसका लाइट वर्जन भी है, जिसमें भी ग्राफिक्स तो यार वर्जन मोबाइल से तो काफी ज्यादा बेटर है। तो घुमा फिरा के एक ही नतीजे पे आते हैं, जो हमने टाइटल में लिखा है कि ग्लोबल लॉन्च के बाद वर्जन मोबाइल फ्लॉप हो चुका है। साइबरपंक 2077 गेम के बारे में तो आपको पता होगा, अगर पता है तो ये भी पता होगा जब वो गेम लॉन्च हुआ था उसके बाद यूजरों के तरफ से इतना ज्यादा बैकलैश मिला था, क्या ही बताएं। तो वर्जन मोबाइल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके अभी सर्च करोगे इस गेम को तो 2.7 रेटिंग तक चला गया है। अब आगे का पता नहीं और कितना नीचे जा सकता है। अगर एक्टिविजन अभी कुछ नहीं करते हैं, गेम को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, तो शायद ये गेम बहुत ही जल्दी खो जाएगा, टिक भी नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि एक्टिविजन अब इस गेम को सुधारेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे फ्यूचर में या फिर नहीं, कॉमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, तो इसी ट्रोलिंग के साथ आज की इस कमाल के गेमिंग अपडेट वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसी तरह से डेली गेमिंग वीडियोस देखना चाहते हो आपके भाई के स्टाइल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो साइड के लोगो बटन को दबा के। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक प्रेजेंट फाइन एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।